बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह के करम से सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया की तमाम खुशियां अता फरमाए, आमीन आमीन। इस दुआ के साथ हम आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज की वीडियो में हम बनाने लगे हैं कच्चे आम का मुरब्बा। कच्चे आम का मुरब्बा बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बताती जाऊँगी। 1 किलो हमने आम लिए हैं कच्चे, इस तरीके से हमने छील लिए अच्छी तरह धो के। आम हमने छील लिए, एक हमने आपको दिखाने के लिए रखा था कि कैसे हमने काटा है। ऐसे अच्छे से काटें और पतली सी गुठली ऐसे नजर आनी चाहिए। अब हम इसे लंबाई में काट लेंगे इस तरीके से। सारे आम कट चुके हैं, अब हम मुरब्बा बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हम कटे हुए आम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, हमने आम 1 किलो लिए थे तो ये छील के 3 पाव रह गए हैं। इसमें हम 3 पाव ही चीनी डालेंगे आम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 कप सिरका डाल देंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। अब हम नमक ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम 5 मिनट ढक के पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट हो चुके हैं ढक के पकाते हुए को। अब हम चेक करते हैं कि एक तार का शीरा तैयार हो गया है। तो जी माशाल्लाह से हो गया है तैयार। अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। अगर आप लोग फूड कलर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो ऐसे ही बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। बाज़ार में फूड कलर इस्तेमाल करते हैं तो हम फूड कलर ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसको दम वाले फ्लेम पे 5 मिनट और पका लेंगे। 5 मिनट और हमने ढक के पका लिया। माशाल्लाह से आम का मुरब्बा तैयार है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। आम का मुरब्बा ठंडा हो चुका है रूम टेम्परेचर पे। शीरे को हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, अगर ज़्यादा गाढ़ा किया तो ये ठंडा होने पे सख्त हो जाएगा। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि हमारी आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हमें दुआ में दुआ रखिए।